हाँ भैया नमस्कार। हाँ भैया, तो हो गई भैया व्यवस्था? तो ये व्यवस्था तो हो जाएगी, पर आपने बहुत बड़ी डिमांड रख दी है। कितने की? थोड़ा मेहरबानी करो ना। क्या अमाउंट बहुत बड़ा होता है इतना का? आप समझ सकते हो, हाँ, हम लोग आपको सामान्य पता आदमी है कहाँ से कितना कर सकते अमाउंट हैं बड़ा इतने है, हैं, इतना इतना कहाँ मांगने कर की पाएंगे? कोई आदमी नहीं। औकात हो तो हम ही कर रहे हैं भैया, हम लोग नहीं कर पाएंगे मिलजुल के भी इतना। तो मेहरबानी करके देखिए, थोड़ा कितना रियायत आपके करिए। पास व्यवस्था कितनी हो गई अरे ये हमारे पास बताइए। ज्यादा व्यवस्था नहीं, घोड़ा भाग करके भी 8-10 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए अभी तक हम लोग। जी 8-10 लाख में तो कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ा कम से देखो ना कम भैया, मिनिमम, देखिए आपने दो बोला था, मिनिमम हमें एक की व्यवस्था बहुत चाहिए। हो जाता है, 1 करोड़ बहुत होता है भैया। थोड़ा मेहरबानी करो। देखो देखिए, आप हमें भी परिवार मेरे वाले समझ, हो गए, आपके भी भाई बहन होंगे, हम लोग भी परिवार वाले हैं, थोड़ा दया करो। इतने भाव होता तो देने में क्या दिक्कत थी, निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं, तो कहाँ से थे? दिक्कत ये है ना, इतने शॉर्ट पीरियड में हम लोग बड़े मुश्किल से इतना पैसा हमने इकट्ठा किया। आप मेहरबानी ये करके पैसा इतनी आपके पास, जी हम लोग बहुत गंदा फंसे। देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते आपका, हम क्या बोले। नहीं, हम आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकते हैं। आप यही समझ लो भैया, आप परिवार के आदमी हो, इतनी मेहरबानी करो, पैसा हम दे देंगे जहाँ कहोगे वहाँ आपको। यही बात थी, तो आपने सबसे बड़ी गलती की सर, पुलिस कंप्लेन कर दी। नहीं, कोई कंप्लेंट हमारी तरफ से कहीं कोई कंप्लेंट नहीं, ना हमने पेपरबाजी करी, ना हम तो क्या बताएं, हम लोग आपने तो। आपने आज का दैनिक भास्कर पढ़ा होगा? अरे तो वही, आप ये न्यूज़पेपर वाले कहाँ कुछ सुनते हैं दुनिया भर में, वहाँ सब हम लोगों ने तो कुछ, हमारे ठीक हम है लोग तो ठीक वैसे है ही ठीक है परेशान ठीक हैं है ठीक है, वो जी। छोड़िए, आपका आप हिसाब आदेश से करें, रहना हमारे पास ठीक पैसा नहीं रखा है इतना, आप बताएं कहाँ है, वहाँ से तुरंत आपको दे देते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, जितना हमसे हो सकता है ना हमने इकट्ठा करके रख लिया भैया। मैं चलेगा। आप भैया लोग के पास आओगे तो पुलिस के साथ मतलब नहीं कुछ आएंगे कुछ नहीं बेटा, करेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं करो, बिल्कुल हमको हमको तुमसे ज्यादा, तुम्हारी चिंता ज्यादा है। आप हमारे पास इतना पैसा रखा भैया, बताओ कहाँ हम भेज दें, तुरंत भेज देंगे, हमको हमारा लड़का दे दो, है हम ना शाम तक आपको, हम शाम को जब जहां पे आना होगा केवड़ा जी। साइड, हम आपको फोन आप करके बता बता देना, देंगे। हम और अकेले आएंगे, आपको पैसा दे देंगे जितना हमने बोला। और आप मैं सुनिए, एक्टिवा में आज आइएगा एक्टिवा में आएंगे, सिवोरा तक जी, एक्टिवा में कैसे आएंगे यार और भैया? नंबर नंबर हमको मैसेज कर दीजिएगा, जो भी उसका नंबर है। ठीक एक्टिवा का, है एक्टिवा जी, का अकेले आइएगा, एक्टिवा अकेले में आएंगे, आइएगा। अकेले आएंगे भैया, अकेले आएंगे। बस मेहरबानी करके और हमारा करो, व्यवस्था कम से कम एक की कर लीजिएगा। एक ही ठीक है, नहीं हो पाएगी भाई साहब इतनी जल्दी। आप हमारी हमारी मजबूती तो समझिए, हमारे पास होता तो हमको दे चलिए, देंगे, क्या आप हर जाता। जितनी जितनी हम जे व्यवस्था हो हमारे पास है, सके हम उतना उतनी तुरंत दे देंगे। हमने देखो जी आपके कहने पे ना जी इतना हमने व्यवस्था करके रख दीजिए, हमने हाथ पैर सब बराबर करके इतना किया जितना का कर सकते हैं, जी तोड़ करके। चलिए, लेकिन ठीक है हम आप जहाँ अब कहोगे, ज्यादा, आप हमारे पास समय नहीं है, सुनिए, जी हमारे पास ज्यादा जी समय नहीं है, जी आप जी जी बोले ज्यादा से बोले। ज्यादा व्यवस्था करिए, नहीं तो हो सकता है डिलीवरी कल हो। अगर नहीं आपको आज डिलीवरी चाहिए तो आज भैया, व्यवस्था हमारे करिए, पास हमको इतनी ज्यादा हुई समय। है, ठीक हम और एक है आध ठीक को है, जितना कर सकते उतना कर लेंगे। एक दो से काम नहीं होगा नहीं भैया, इतना हम देखो, हम झूठ बोलेंगे नहीं आपसे, हम जितने आप कोशिश झूठ कर ही सकते बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे हाँ। हमारा हमारा समय खत्म हो रहा है, हम नहीं आपको बाद में। ठीक है, ठीक, तो हम ठीक है सर, ठीक आप व्यवस्था करिए। हेलो हेलो। जी हाँ, हेलो हाँ जी भैया, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने पुलिस कंप्लेन कर दी और अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन रखी भैया। क्या हो गया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ मैं आपको कि आपने पुलिस कंप्लेन तो दी, इन्वेस्टिगेशन भी अच्छी खासी नहीं, बता दी। हमने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की भैया। अरे सरकार, बताइए, अब हम लोग इतने भी गवार तो है नहीं कि पेपर नहीं पढ़ते हैं। कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की भैया। जी देखिए, अब आप भी पेपर पढ़ते होंगे, हम भी पेपर पढ़ते हैं, नहीं, और हमने कोई पुलिस पे कंप्लेंट नहीं की मेरे भाई। मैं क्यों पुलिस कंप्लेंट करूंगा जब आपसे बात हो गई थी तो? जब हमसे बात हो गई थी तो पुलिस को जानकारी कहाँ से लगी थी, मेरे आप को नहीं बता पता सकते कैसे हैं? जानकारी चली थी। अब पुलिस तो हमको ढूंढ रही है, अब आप बताइए क्या करें। जैसा आप बोलो, कहाँ आना है, कैसे क्या करना है, मैं तो तैयार हूँ। आपने पैसे की व्यवस्था की? कितनी? हाँ थोड़े बहुत पैसे की व्यवस्था हो गई है भैया, है 2-3 लाख रुपए। जी, आपको हमने 2 करोड़, 2-3 लाख की व्यवस्था कर रहे, लगता है आपको अपने बच्चे की जान की बिल्कुल भी परवाह मैं नहीं। लगा हूँ भैया, धीरे धीरे लगा पहले हूँ। तो पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं आप, नहीं मैंने कोई उसके पुलिस बाद कंप्लेंट नहीं आप करी भैया। पैसे भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। खैर छोड़िए, ठीक नहीं आप है, मेरे को बच्चे थोड़ा सा टाइम और दे बोल दो। देंगे कि आप पापा आपको प्यार नहीं करते। बस नहीं थोड़ा सा टाइम और दे दो मेरे को, मैं लगा हूँ जुगाड़ में। पहली चीज, टाइम आपको कितना चाहिए पहले आप ये बताइए। 1-2 घंटा तो दो भैया, 1-2 लोगों को बोलूंगा, जो भी तो व्यवस्था बनेगी। चलिए, तो आपको हमने 12 से 1 बजे तक का टाइम दिया, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आप ये समझ लीजिए, पहली बता था कि हम हमें जिंदगी से सवाल हो, जी हमें अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अगर इसकी इस वक्त जरूर दे सकते हैं कि हमें अगर
जरा सी खरोच आई तो आपकी बेटी की जान चली जाएगी। अब आप नहीं, मैं पुलिस को कोई खबर नहीं दूंगा, मैं लगा हूँ भैया, पूरे जुगाड़ में लगा हूँ। आना कहाँ है ये बता दें आप मेरे को। जी जी, हम जहाँ भी हैं, आप जब पैसे लेने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एक बार बेटे से बात करवा दोगे क्या? आपने पुलिस से कनेक्टिविटी बना ली थी? नहीं, मैंने कोई कनेक्टिविटी नहीं बनाई भैया। पूरी बात सुनिए, अभी जो हमने कॉल किया है ये हमारा कॉल ट्रेस हो रहा है, ये भी हमको पता है। नहीं मालूम, आप ये समझिए, ठीक है, अब आप ये समझिए कि आपको पुलिस से दूरी कैसे बना के रखनी है जी, ये आप समझिए। और पैसे तो हम लेंगे जी, ठीक है, तो हम बताते हैं। एक बार बेटे से तो बात कराओ। सुनिए, जितनी जी बच्चे से आपकी बात, ठीक है, 12 बजे हम करवा देंगे जी। क्योंकि अब क्या दिक्कत आपने ये कर दी है ना कि अब बच्चे से बात कराना मुश्किल इसलिए हो गया कि कंप्लेन हो गई, अब बच्चे को हम ज्यादा देर बाहर रख नहीं सकते भैया। मोहल्ले वोल्ले वालों ने किसी ने बता दिया होगा? मोहल्ले वोल्ले वालों ने, मैंने कोई कंप्लेन नहीं की। सुनिए तो, हमने इतनी सफाई से काम किया था कि मोहल्ले में किसी को खबर नहीं चली, इसका हम रख रहे हैं, ज्यादा देर हम आपसे बात नहीं कर सकते। नहीं बताओ तो भैया कहाँ